नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों सहित पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पदक की घोषणा सोमवार को कर दी गई थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूची में देश के कुल 1097 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया गया। जिन्हें पुरस्कार मिला है उनमें बिहार के 24 हस्ती शामिल हैं। इस तरह मिले कुल पुरस्कारों में बिहार का हिस्सा 2.18% रहा। पद्म पुरस्कारों में इस बार देश में कुल 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। हालांकि इस बार बिहार के किसी हस्ती को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला। वहीं देश भर में कुल 10 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं 102 शख्सियतों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनमें बिहार के 4 लोग शामिल हैं। बिहार से ही कला के क्षेत्र में दुलारी देवी व रामचंद्र मांझी, जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। इस वर्ष मार्च में इन हस्तियों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में पद्म सम्मान प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में गोवा की दिवंगत राज्यपाल मृदुला सिन्हा भी शामिल हैं। वहीं असाधारण कार्य करने वाले 32 बच्चों को राष्ट्रीय बालवीर पुरस्कार मिला है। बिहार से इकलौती साइकिल गर्ल के नाम से चर्चा में आई ज्योति को यह पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि कोरोना काल में ज्योति हरियाणा के गुरुग्राम से अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर बिहार के दरभंगा स्थित अपने घर पहुंची थी। वहीं इस बार कुल 946 राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार दिया गया है। इन पुरस्कारों में राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। बिहार उन 10 राज्यों में शामिल है जिसे पुलिस वीरता पदक से नवाजा गया है। इस बार 2 राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक प्रदान किया गया है। यह झारखंड पुलिस के अलावा सीआरपीएफ को मिला है। वहीं बिहार समेत 10 राज्यों की पुलिस और 5 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को कुल 205 पुलिस वीरता पदक प्रदान किया गया है। राज्य पुलिस में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर को 52, दिल्ली को 17, महाराष्ट्र को 13 और उत्तर प्रदेश को 8, जबकि अर्धसैनिक बलों में सबसे ज्यादा 68 सीआरपीएफ और बीएसएफ को 20 पुलिस वीरता पदक मिले हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को दिए जाने वाले चारों पदक को देखा जाए तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब ऐसे राज्य हैं जिन्हें बिहार पुलिस से ज्यादा पदक प्राप्त हुआ है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्य हैं जिन्हें बिहार से कम पदक मिले हैं। इस बार जीवन रक्षक पदक बिहार को नहीं मिल पाया है। इस श्रेणी में सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, उत्तम जीवन रक्षक पदक व जीवन रक्षक पदक प्रदान किए जाते हैं। इस बार कुल 40 जीवन रक्षक पदकों की घोषणा की गई है। इस बार 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, 8 उत्तम जीवन रक्षक पदक और 31 जीवन रक्षक पदक दिए गए हैं। वहीं इस बार बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर के 32 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 दिया गया है। इसमें कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7 पुरस्कार दिए गए हैं, 9 पुरस्कार इनोवेशन के लिए दिए गए हैं और 5 शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए, जबकि 7 बच्चों को स्पोर्ट्स कैटेगरी, 3 बच्चों को बहादुरी के लिए और 1 बच्चे को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।